चॉकलेट्स लोगों के लिए आप टिप्स अगर दे दें साल को लेकर। हाँ, तो देखिए, ये स्पेसिफिक टू वोकलिस्ट तो है नहीं, इट इज जी स्पेसिफिक टू एवरीबॉडी हु वांट्स टू प्ले म्यूजिक और सिंग म्यूजिक, यू नो, और जी डांस, यू नो. तो आप जो भी कुछ करना चाहते हो, आपको ताल का जो वेरी वेरी साइंटिफिक स्ट्रक्चर है ताल का, ये समझना बहुत जरूरी है. तो ताल में बहुत सारे फीचर्स है. एक जी तो ताल ताल में यू नीड टू हैव अ नंबर ऑफ मात्रास, इतने मात्रा होना चाहिए, जो भी ताल है एक नंबर ऑफ मात्रास है. उस जी मात्रास में आपको एक स्पेसिफिक विभाग होना है, डिवीजन ऑफ मात्रास होना है. नहीं तो आप तो 14 मात्रा का ताल धमार भी है, आड़ा चौताला भी है, या चाचर भी है, लेकिन ये जी तीन अलग अलग ताल है. और आप देखें तो धमार, अगेन द एनिमल इमेजरी, धमार है हाथी, तो चाचर है हिरन या रैबिट. तो धमार जा रहा है क धेट धा गधी न दी न ता, हाथी जैसे जा रहे हैं. और ये जा रहे हैं धा धिक धा तिन ता तिक धा क्या धिन धा धिक धा तिन धा बात तिक धा धिन. तो ये जो ताल का, ये कैसे छंद कैसे निकल रहा है, छंद निकल रहा है विभाग से. आप जिस तरह से उसको विभाग करोगे, उस तरह से उसका एक्सेंट पॉइंट आएगा. एक्सेंट पॉइंट आएगा तो छंद निकलेगा. विदाउट एन एक्सेंट जी पॉइंट, विदाउट द विभाग, यू कैन नॉट हैव अ छंद, रिदम कैन नॉट हैपन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताल का विभाग को समझा जाए. अच्छा, हर ताल का एक रेंज ऑफ लय होता है, उससे बाहर आप बजाए तो अजीब लगता है. आप जैसे सोचिए, विलंबित तीन ताल आप बजा सकते हैं. अब विलंबित झपताल बजाएंगे तो बहुत ही अजीब लगता है. क्यों लगता है, इसका कारण है. इसका कारण यह है कि तीन ताल का जो विभाग है वो इवन नंबर है, 4+4+4+4. इसको आप विलंबित भी करें तो एक झोल रह जाता है उसमें. बट जी जो 2+3+2+3 झपताल है, धी ना धिन धिन ना ती ना धिन धिन ना, ये जो ऑड नंबर का एक्सेंट पॉइंट है, ये खो जाएगा. इसको आप बहुत नीचे लाएंगे झोल जी, क्या बात है। सो आप उसको धी ना धिन धिन ना तक ठीक है. अगर आप इसको धी ना धिन, तो गया आपका विभाग, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, बस काउंट रह जाएगा बस. तो क्या उसका बात, उसका जो स्पिरिट है, सोल है ताल का, वो निकल जाएगा. सो क्या बात दीज है, आर ये ऑल बहुत वेरी, जी हाँ, ये सिंगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप जो जो लव्स गा रहे हैं, व्हाट इज योर द वर्ड्स इन योर कॉम्पोजिशन, अब उसको आप कहाँ तक खींच सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है. सिंगर के लिए ये बहुत स्पेसिफिक है कि आप आपका अगर सजन घर घर आए हो, सजन घर आए हो, आप कितना स्पीड में गा सकते हो, सजन घर आयो, सजन घर आयो, सजन घर, तो सजन घर आयो का इमोशन तो गया काम से. तो आपको एक लिमिट तक वहां ऊपर जा सकते हो आप, और फिर आप नीचे भी आप देखो कि कहां तक उसका रेलेवेंस रहता है वर्ड्स का, और फिर ताल का रेलेवेंस कहां तक रहता है. तो ये सब डिसीशंस, बहुत डेप्थ का तालीम हो तो ये करेक्ट बनता है, बैठता है ठीक ठाक. सो आई कांट, आई मीन आई आई मामा इंडिया म्यूजिक, वंडरफुल क्वेश्चन, बट आई विश आई हैड अ फ्यू डेज टू एक्सप्लेन टू यू हाउ दिस वर्क्स, बिकॉज क्या इट इज अ लॉट बात ऑफ है, थिंग टू से. बट या, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर। और आप, मैं थैंक यू. इसमें जानना चाहूंगा, क्या आप वर्कशॉप्स वगैरह भी करते हैं सर? हाँ, करता तो हूँ, लेकिन मेरा क्या है ना, बिकॉज आई कीप सो, आई डोंट लाइक टू से दिस एज इफ इट्स यू नो आई एम कमिंग अक्रॉस एज डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल, ऐसा नहीं है. बट आई डू हैव अ वेरी बिजी डे, बिकॉज मेरा क्या होता है, आई एम स्ट्रैडलिंग टू थ्री करियर्स फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स नाउ. एक तो मेरा हर रोज मैं स्टूडियो जाता हूँ, स्टूडियो जाके जो मेरा एल्बम्स के काम है या फिल्म के काम है, वो भी बहुत ही हैवी वर्क है, क्योंकि वो डिटेलिंग का काम है. तो हर हर दिन मैं, एवरी डे आई लीव द हाउस बिफोर 11 o'clock एंड आई कम होम बिफोर 8 o'clock. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑफिस डे फॉर मी. एंड या वेन देर एग्जैक्टली, इज लॉट्स ऑफ कॉन्सर्ट्स आर हैपनिंग एंड वेन देन इट इज लाइक रियली डिफिकल्ट. बट आई लव डूइंग वर्कशॉप्स, और मैं करता भी हूँ, मैं जब करता हूँ मैं बहुत एंजॉय भी करता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई हैव अभी इस उम्र में मुझे ना बहुत कुछ मोर क्लियरली दिखने लगा है, जो कि आज से 20 साल पहले दिख नहीं रहा था, उतना क्लैरिटी नहीं था. तो अभी क्लैरिटी बहुत है, तो आई थिंक आई शुड डू मोर ऑफ इट नाउ.
मैं हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग विक्रम सर को सुनना चाहते हैं फ्यूचर में उनकी वर्कशॉप्स में, आप अभी जाके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लें और वहां पर आपको डेफिनेटली फ्यूचर की सारी यू कैन फॉलो मी अपडेट्स है वो मिल जाएंगी। फेसबुक ऑल्सो, फेसबुक में मैं ज्यादा रहता हूँ, बट इंस्टा एंड फेसबुक बोथ, एंड फेसबुक में देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट आई पुट ऑन फेसबुक और ऑन माय यूट्यूब एंड व्हाटएवर, यू विल फाइंड दैट। बट या आई शुड बी डूइंग मोर वर्कशॉप्स, आई टेक दैट पॉइंट फ्रॉम यू। या सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुन के, और आई एम सीइंग हमारे दर्शक जितने भी हैं दे ऑल आर एंजॉयिंग, और वो कमेंट्स आ रहे हैं कि वो एक्सप्लेनेशन आपका आपका आपकी जो फिलोसफी कह लें आपके, और आपके स्टाइल को कह लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कह लें, एंड द वे यू टीच द बिगेस्ट पार्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही था। क्या बात है, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू, थैंक यू।